हम छह बहन भाई थे, चार हम बहन थी और दो हमारे भाई थे, और हम गांव में रहते थे इस्माइल गांव में। और उस टाइम पे हमारे गेम्स वगैरह होते नहीं थे। मैं कबड्डी भी खेली थोड़े बहुत दिन, मैंने जूडो भी किया था स्कूल में, पर उस टाइम पे ये नहीं कि लड़कियों को आगे नहीं भेजते थे, कहते थे नहीं भाई जो स्कूल में गेम हो रहा अपना वही करो। साक्षी को थोड़ा सा ना गेम का शुरू से ही लगाव था, जिसे ही इसने अपना गेम स्टार्ट किया तो यहाँ या आस पास के, उस टाइम तो मैं इंद्रप्रस्थ कॉलोनी रहते थे, गांव में जाते थे, तो जैसे गांव में जाते हैं सब ये पूछते हैं भाई आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, बताया कि जैसे मैंने बेटा मेरा पढ़ाई कर रहा है, बेटी इस क्लास में पढ़ रही है, साथ में कुश्ती भी कर रही है। तो उनको ये रहता कुश्ती, कुश्ती तो लड़कों का गेम है, इसको कुश्ती क्यों करवा रहे हो? मैंने कहा क्यों? बोला नहीं कुश्ती मतलब इसका इसके आपकी शादी करनी है, इसको बच्चे पैदा करने हैं, इसके कान खराब हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या कहते थे। लेकिन हम मैंने इन बातों पे कभी भी ध्यान नहीं दिया। एक बार भालगढ़ में उसकी ट्रायल हो रही थी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, तो वहाँ पे गीतिका जाखड़ के साथ इसकी बाउट थी, बिल्कुल बाउट जीते जीते हार गई थी। उस दिन तो हमने था कि सिलेक्शन होगा, लेकिन उस दिन भी वो रह गई, उस दिन भी उसका इतना मन उदास हो गया था बहुत ज़्यादा, हमें खुद पता चल जाता कि इसका मन कितना उदास हो रहा था। फिर उसको समझाते हैं कोई बात नहीं बेटा, अगर दो आदमी लड़ेंगे तो एक तो गिरेगा, जो लड़ा ही नहीं तो गिरेगा कैसे, और जो गिरा ही नहीं तो उठेगा कैसे। सबसे गर्व का जिस टाइम पे साक्षी ने ओलंपिक में मेडल जीता, सुबह 2:30 का टाइम था, तब बहुत ही गर्व की बात थी। मतलब वो तो एक अलग ही मोमेंट था, बहुत ही अलग मोमेंट था, बहुत ही अलग। Thank you.